प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं व्याख्याता शंकर सिंह, राजस्थान डिफेंस एकेडमी चुरू के डिजिटल क्लासों में एक बार पुनः आपका स्वागत है। अब मैं व्याकरण में आपके लिए नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक का नाम है समास। आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़े हैं, नए भी पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। क्या होता है? छोटे रूप को समास कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है माता पिता, ये छोटा रूप है, इसको क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। नीचे मैंने इसका विग्रह किया है माता और पिता, माता और पिता। अब ये इसमें क्या है और क्या है, एक विभक्ति है, इसको हम काट दें तो ये समास की क्या बन जाती है परिभाषा, क्या कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के परस्पर विभक्ति रहित मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के पर या पदों के परस्पर विभक्ति रहित मेल को, यानी इस विभक्ति को हटा दें, विभक्ति रहित जो मेल यानी शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। छोटा रूप भाई, माता और पिता बड़ा रूप है और ऊपर वाला क्या है? माता पिता छोटा रूप है, तो वो छोटा रूप ही क्या कहलाता है? समास है। ये विभक्ति लगा देते हैं तो ये समास का क्या बन जाता है? विग्रह बन जाता है। इसलिए दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के परस्पर विभक्ति रहित मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ध्यान दे जाएगी मेरी बात? समास की छोटी सी परिभाषा, दो दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के परस्पर विभक्ति रहित मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, समास छह प्रकार के होते हैं। समास के कितने भेद हैं? छह भेद होते हैं। पहला अव्ययीय भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास, छठा कर्मधारय समास। छह भेद समास के, पहला अव्ययीय भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास, छठा कर्मधारय समास। दो बातें अब तक मैंने बताई है, मैं फिर से आपके सामने उनको दोहरा रहा हूँ। पहली बात परिभाषा, यहाँ पर मैंने दो शब्द लिख रखे हैं, ध्यान दोगे, ये छोटा रूप है, ये बड़ा रूप है, तो ये छोटा रूप ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ये बड़ा रूप समास विग्रह कहलाता है। तो परिभाषा फिर से बोल रहा हूँ, दो या दो से दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के परस्पर विभक्ति रहित मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? छह प्रकार के। अव्ययीय भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। इनका अलग अलग हम जो परिचय है वो लेंगे, क्योंकि परीक्षा में कोई भी उदाहरण आ सकता है, उदाहरण देकर के पूछा जाएगा कि भाई इसमें कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है या किसी सीधे समास की क्या है। प्रतियोगी परीक्षाओं में तो ज़्यादातर उदाहरण ही आते हैं, वो कौन से समास का उदाहरण है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले है अव्ययीय भाव समास। मैं अव्ययीय भाव समास की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इतने ही पद की चर्चा कर रहा हूँ। अव्यय समास की बात नहीं कर रहा हूँ। अव्यय बोलते किसको? अव्यय वे पद, अव्यय अव्यय यानी जो खर्च न हो। अव्यय ऐसे होते हैं जिनका रूप लिंग वचन कारक और काल के अनुसार नहीं बदलता, उसको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो हम यहाँ पर चर्चा अव्यय की नहीं करके अव्ययीय भाव समास की करेंगे। अव्ययीय भाव समास की परिभाषा क्या है? जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, जिस समास में पहला प्रधान पद क्या हो? प्रधान हो। साथ ही पहला पद किसका हो? अव्यय का, यानी जिसके लिंग वचन कारक और काल में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। साथ ही पहला पद किसका हो? अव्यय को, तथा दूसरा पद संज्ञा का हो, तथा संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद प्रयुक्त हो, उसे अव्ययीय भाव समास कहते हैं। परिभाषा थोड़ी लंबी है, लेकिन तीन बातें आप ध्यान में रखोगे अव्ययीय भाव समास में, कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो। पहली बात तो क्या है इसमें? क्या होगा?
पहला पद प्रधान होता है, साथ ही पहला पद किसका होगा अव्यय का और दूसरा पद किसका होगा संज्ञा का। और संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद प्रयुक्त हों उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उपसर्ग तो जानते हो ना, वे शब्द जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो तीन बातें हो गई अव्ययी भाव समास में, एक तो इसमें पहला पद प्रधान होता है, दूसरी बात क्या हो गई इसमें पहला पद अव्यय का और दूसरा पद किसका होता है संज्ञा का होता है, तीसरी बात कौन सी हो गई इसमें संस्कृत के उपसर्ग युक्त क्या होते हैं पद प्रयुक्त होते हैं। तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो, साथ ही पहला पद किसका हो अव्यय का हो, दूसरा पद संज्ञा का हो, तथा संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद प्रयुक्त हो उसे क्या कहते हैं अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, अब पहला पद यथा, इसमें हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ये क्या है अव्यय है, इसमें किसी भी प्रकार का हम कोई भी बदलाव ही नहीं कर सकते, इसके लिंग वचन नहीं बदल सकते। तो यथाशक्ति यानी दूसरे शक्ति क्या है, यहाँ पर संज्ञा है इसलिए दूसरे पद के अनुसार हम विग्रह करेंगे शक्ति के अनुसार। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, यथा अवसर, अवसर के अनुसार। प्रत्येक, प्रत्येक का आप दो तीन तरह से विग्रह कर सकते हो, प्रति एक कर सकते हो, एक एक कर सकते हो, हर एक कर सकते हो, हैं। प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे, अक्षी किसको बोलते हैं आँखों, अक्षी के आगे, बीचों बीच, हैं। तो इसका क्या हो जाएगा ठीक बीच में। आमरण, मरण पर्यंत, अनुकूल, जैसा कूल है वैसा। निर्विवाद, ये नी क्या है यहां पर उपसर्ग आ गया, निर्विवाद बिना विवाद के। बाकायदा, कायदे के अनुसार। सादर, आदर सहित, अभिमुख, मुख के आगे। तो ये सब क्या है, आप उदाहरण जितने पढ़ोगे उतना ही आपका ये टॉपिक मजबूत होगा। आगे दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास देखिए, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है तो इसमें कौन सा पद प्रधान होगा, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होगा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा कर्ता व संबोधन कारक की विभक्तियों, कर्ता कारक की विभक्ति ने है और संबोधन कारक की विभक्ति क्या है, हे, ओ, अरे है। तो इन चार विभक्तियों को छोड़ दो, कि कर्ता व संबोधन कारक की विभक्तियों को छोड़कर शेष कारक विभक्तियों का इसमें क्या होता है प्रयोग होता है। कारक आठ पढ़े ना, आठ में से दो कारकों की विभक्ति छोड़ दो, कौन कौन से, कर्ता कारक को और संबोधन कारक की विभक्तियों को, कर्ता और संबोधन कारक की विभक्तियों को छोड़कर शेष कारक विभक्तियों का इसमें प्रयोग होता है। ध्यान दोगे, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा कर्ता व संबोधन कारक की विभक्तियों को छोड़कर शेष कारक विभक्तियों का इसमें क्या होता है प्रयोग होता है। और इसके छह उपभेद होते हैं, केवल विभक्ति आपको याद रखनी है, विभक्ति जो विभक्ति आ रही है वो इसका समास बन जाएगा। छह भेद होते हैं इसके, पहला है कर्ता कारक को छोड़ दो, दूसरा कौन सा बच गया, कर्म तत्पुरुष, कर्म की विभक्ति क्या होती है को, तो पद का विग्रह करते हुए को विभक्ति आ रही है तो कर्म तत्पुरुष मत लिख लो, भले ही वो क्या कर लिख दो आप उसमें मूल लिख दो क्या तत्पुरुष समास है। जैसे वन गमन, वन को गमन, को विभक्ति आ रही है। प्राप्तोदक, उद्दक को प्राप्त, शरणागत, शरण को आगत, को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। दूसरा है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष जिसकी विभक्ति क्या है से या के द्वारा है, इन दोनों विभक्तियों का प्रयोग हो रहा हो तो वो तत्पुरुष तो है ही है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष। जैसे दयाद्र, दया से आद्र, से विभक्ति आ रही। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, हस्तलिखित, हस्त से लिखित। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान की विभक्ति क्या है के लिए, के लिए विभक्ति का प्रयोग हो रहा हो तो वो तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा, संप्रदान के लिए। विद्यालय, 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 विद्यालय का विग्रह करोगे के लिए विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। विद्या के लिए आलय, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। वरमाला, वर के लिए माला। चौथा है अपादान तत्पुरुष, जिसकी विभक्ति क्या है से, अलग होना, से विभक्ति करण की भी है लेकिन यहां अपादान में से क्या होगा, अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अब पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया, अलग होने का भाव हो तो वहां पर क्या होगा अपादान तत्पुरुष, जिसकी विभक्ति क्या होगी से अलग। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से अलग हो गए, ऋण मुक्त। पद च्युत, च्युत का अर्थ है भ्रष्ट होना, अलग हो।
पद च्युत, पद से च्युत, शक्तिहीन, शक्ति से हीन, आशातीत, आशा से तीत। पांचवा है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष की विभक्ति क्या है? काके की। इन विभक्तियों का प्रयोग हो रहा हो, संबंध तो है लेकिन है कौन सा? तत्पुरुष समास। काके की, जैसे राजमाता, राजा की माता, रामचरित, राम का चरित, देश सेवा, देश की सेवा। अब अंतिम रह गया तत्पुरुष का कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष, जिसकी विभक्ति क्या है? में, पे, पर। इसकी विभक्ति क्या है? में, पे, पर है। इन विभक्तियों का प्रयोग हो रहा तो अधिकरण तत्पुरुष, जैसे वनवास, वन में वास, जीव दया, जीवों पर दया, नरोत्तम, नरों में उत्तम, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, कवि पुंगव, कवियों में पुंगव। पुंगव किसको बोलते हैं? श्रेष्ठ को बोलते हैं। तो ये दो समास मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसकी पूरी जानकारी फिर से। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। परिभाषा मैंने लिखी, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के परस्पर विभक्ति रहित मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के छह भेद होते हैं, अव्ययीभाव भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। अब सबसे पहले हम अव्ययीभाव भाव समास की चर्चा की। जिस समास में पहला पद प्रधान हो, साथ ही पहला पद किसका हो? अव्यय का, तथा दूसरा पद किसका हो? संज्ञा का हो, तथा संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद प्रयुक्त हो, उसे अव्ययीभाव भाव समास कहते हैं। तीन बातें हैं समास में, एक तो इसमें पहला पद प्रधान होगा, दूसरी बात पहला पद प्रधान है, यानी पहली बात तो पहला पद प्रधान है, दूसरी बात पहला पद अव्यय का और दूसरा पद किसका होगा? संज्ञा का, तीसरी बात संस्कृत के उपसर्ग युक्त क्या है इसमें पद प्रयुक्त होते हैं। तत्पुरुष समास में दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है, कर्ता और संबोधन कारक की विभक्तियों को छोड़कर के शेष विभक्तियों का इसमें प्रयोग होता है। दो ही बातें तत्पुरुष समास में अच्छी तरह से याद रह जाएगी कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद क्या है? प्रधान होता है। पहली बात तो दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरी बात क्या होगी इसमें? कर्ता व संबोधन कारक की विभक्तियों को छोड़कर शेष कारक विभक्तियों का क्या इसमें प्रयोग होता है। इसके भी छह भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, जिसकी विभक्ति क्या है? को विभक्ति आ रही हो तो तत्पुरुष तो है लेकिन कौन सा? कर्म तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, जिसकी विभक्ति क्या है? से या द्वारा। इन विभक्तियों का प्रयोग हो रहा हो तो करण तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, जिसकी विभक्ति क्या है? के लिए। अपदान तत्पुरुष, जिसकी विभक्ति क्या है? से अलग होना। करण में तो क्या होगा? से हैं जुड़े रहने का भाव रहता है, अपादान में क्या होता है? से अलग होने का भाव होता है। संबंध तत्पुरुष, जिसकी विभक्ति क्या है? का के की। और अधिकरण तत्पुरुष, जिसकी विभक्ति क्या है? मे पे पर। तो समास में आज के लिए ये केवल दो ही समासों की मैं जानकारी दे रहा हूँ। आगे वाले भाग में पुनः बचे हुए समासों की जानकारी मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।